love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I'm wanting. I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं यूज बाइक का वीडियो लेके। यूज स्पोर्ट बाइक का वीडियो होने वाला है दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं व्हीलर डीलर में, जहां बहुत सारा स्पोर्ट बाइक दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। देख लो ये कलेक्शन, मेरे पीछे बहुत सारा कलेक्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इन सभी गाड़ियों का डिटेल मिलेगा दोस्तों, तो बने रहिएगा। जो दोस्त नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के बीच लेके आता रहूँ। तो चलिए देर किए बिना यहाँ के जो ओनर हुए आलोक भैया, उनका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत चल रहा है, अपना सुनाए भैया। बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है। आज तो बहुत कलेक्शन न्यू न्यू आई हुई है। पूरा सब न्यू न्यू ब्रांड है, सब जितना पुराना। स्टार्टिंग प्राइस है 58,000 से आपको CBR मिल जाएगा 150। 58,000 में 2017 का मॉडल है, आप देख सकते हैं। रांची नंबर 2017 की FZ है, रांची नंबर है, रांची रजिस्ट्रेशन है। और कितना चला है भैया ये? चला हुआ 25,000 किलोमीटर। 25,000 फर्स्ट ओनर है? हाँ फर्स्ट ओनर गाड़ी है। देख लो गाड़ी की कंडीशन इस प्रकार से, टायर वगैरह देख लो, डिस्क ब्रेक वगैरह सारा कुछ मिल जाएगी। बताइए भैया FZ की आस्किंग प्राइस क्या रखे हुए? इसका प्राइस पड़ेगा आपको 66,000। 66,000 कम बेसी हो जाएगा, आने बाद हो जाएगा, थ्रू होगा तो और कम हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं। ये पल्सर 150 है, ये भी रांची नंबर है, आप देख सकते हैं पल्सर 150। देख लो दोस्तों ब्लैक कलर में है, काफी खूबसूरत लुक में गाड़ी है। टायर की कंडीशन देख लो, डिस्क ब्रेक वगैरह देख लो। और मॉडल कौन सी बोले भैया? 2019 का मॉडल है ये, 19 का। फर्स्ट ओनर है भैया? हाँ फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और क्या चला है भैया? ये चला हुआ 12,000 किलोमीटर, 12,000 मात्र चला है, जो कि ओरिजिनल चला हुआ है। हाँ। जो और बताइए भैया इसका पल्सर का आस्किंग प्राइस क्या है? इसका 66,000 इसका भी पड़ेगा। 66,000। हाँ। चलिए नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं भैया। ये एक्सट्रीम 200 है, धनबाद नंबर है। एक्सट्रीम है? हाँ एक्सट्रीम 200। एक्सट्रीम 200 देख लो गाड़ी की कंडीशन इस प्रकार से है दोस्तों। डिस्प्ले मिल जाएगी, डबल डिस्क है भैया? हाँ डबल डिस्क है, EVS मॉडल है। EVS भी मिल जाएगी, देख लो EVS वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा इसमें। कलर भी काफी यूनिक कलर में गाड़ी है। कोई खर्चा उच्चा गाड़ी में भैया? कोई खर्चा नहीं, पूरा सर्विसिंग किया हुआ रहता है। तेल डलवाना चलाना है? हाँ तेल डलवाना चलाना है सिर्फ। और क्या रनिंग है गाड़ी की? इसका रनिंग है 23,000 किलोमीटर। 23,000 फर्स्ट ओनर है ना? हाँ फर्स्ट ओनर गाड़ी है। बताइए इसका आस्किंग प्राइस क्या रखा? 68,000 मात्र। 68,000 मात्र है दोस्तों, इसमें भी बैठने पे कम बेसी हो जाएगा? कम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं भैया। ये जावा 42 है, देख सकते हैं रांची नंबर का है। ये जावा 42 है देख लो, रांची रजिस्ट्रेशन है। कलर भी यूनिक कलर है, यूनिक कलर है। और यूथ की डिमांडेबल गाड़ी, बहुत डिमांड गाड़ी है जावा। और इसमें डबल डिस्क है भैया? डबल डिस्क है, डबल EVS पूरा पूरा सारा कुछ मिलेगा। देख लो कंडीशन इस प्रकार से है। क्या चला है भाई भैया गाड़ी? ये चला हुआ है आपको वही 27,000 किलोमीटर। 27,000 जो कि ओरिजिनल चला है ना? हाँ ओरिजिनल चला हुआ है। मॉडल कौन सी बोले? 2019 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर। और आस्किंग प्राइस क्या रखे? इसका 1,15,000 पड़ेगा। 1,15,000 है दोस्तों, थोड़ा बहुत बैठोगे तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और अगली गाड़ी रॉयल इनफील्ड है ना भैया? हाँ क्लासिक 500 cc का है, क्लासिक 500 cc। हाँ देख सकते हो ब्लैक कलर में है, ये रांची रजिस्ट्रेशन है। मॉडल कौन सी है भैया? 2019 का मॉडल है, 2019 का। डबल डिस्क है? हाँ डबल डिस्क है, डबल डिस्क वगैरह सारा कुछ मिल जाएगी। फर्स्ट ओनर है भैया? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और किलोमीटर की बात करें तो क्या चली होगी? 20,000 किलोमीटर चला हुआ, 20,000 चली हुई है। फर्स्ट ओनर है भैया? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और बताइए इसका आस्किंग प्राइस क्या रखे हुए? 1,18,000। 1,18,000 थोड़ा बहुत कम बेसी हो जाएगा? कम हो जाएगा, आने के बाद कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं भैया हम लोग। ये हिमालय है देख लीजिए, ये भी रॉयल एनफील्ड की हिमालय है। हिमालय देख लो,
कंडीशन में गाड़ी है देख सकते हो, ये पूरा स्पोर्टी लुक बाइक है, हाँ ऑफ रोडिंग बाइक है, देख लीजिए दोस्तों ऑफ रोडिंग के लिए काफी अच्छी बाइक है, ये कंडीशन में है देख लो। मॉडल कौन सी है? 2018 की मॉडल है। 18 की ओनर सी भैया? सेकंड ओनर गाड़ी है। सेकंड है, कोई खर्चा उर्चा? कोई खर्चा नहीं, पूरा गाड़ी फ्रेश है, सब ओके है, सब ओके है। और रनिंग क्या बोले भैया? रनिंग है 17,000 किलोमीटर। 17,000 मात्र। अब बताइए इसका आस्किंग प्राइस क्या रखे? 1,20,000 पड़ेगा। 1,20,000 है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी की ओर बढ़ते भैया। ये हीरो का एक्सपल्स 200, ये भी काफी डिमांडेबल डिमांडेबल गाड़ी है। देख लो दोस्तों इस प्रकार से कंडीशन है गाड़ी की, इसमें क्या क्या मिलेगी? डबल डिस्क एबीएस वगैरह, हां एबीएस मिल जाएगी, एबीएस मिल जाएगी, डबल डिस्क वगैरह सारा मिल जाएगी। बाकी टायर की कंडीशन देखो, पूरा फ्रेश है अभी, फ्रेश कंडीशन में गाड़ी है। और रनिंग क्या है भैया गाड़ी? रनिंग इसका चला हुआ 10,000 किलोमीटर, मात्र 10,000। हां 10,000 चला हुआ है। मॉडल कौन सी है? 2020 का मॉडल है। 2020 का। आस्किंग प्राइस बताइए क्या रखे हुए हैं इसका? पड़ेगा आपको रेट कितना है? 78 है। 78,000 मात्र है दोस्तों, जो कि बैठोगे तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं। ये सीबीआर देख लीजिए, ये रांची नंबर है 150, होंडा सीबीआर है, ये भी बड़ी डिमांड की गाड़ी है, रांची रजिस्ट्रेशन है। मॉडल कौन सी है भैया? 2016 का मॉडल है। और ओनरशिप? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और क्या रनिंग है गाड़ी की? इसका रनिंग है 17,000 किलोमीटर। 17,000 किलोमीटर चलिए। बाकी देख लो टायर वर्क की कंडीशन, पूरा फ्रेश है टायर, फ्रेश कंडीशन में है। डिस्क ब्रेक वगैरह एबीएस भी है क्या? नहीं एबीएस नहीं है, एबीएस नहीं है। बताइए इसका आस्किंग प्राइस होंडा सीबीआर की? इसका आपको पड़ेगा 58,000। 58,000 है दोस्तों, जो की नेगोशिएबल है। और चलिए भैया फिर नेक्स्ट गाड़ी को, ये जिक्सर है 2018 का मॉडल, आप देख सकते हैं सुजुकी का, सुजुकी के जिक्सर 2018 मॉडल, फर्स्ट ओनर है। क्या रनिंग है भैया इसका? चला हुआ है वही 17-18,000 लगभग चला हुआ है, 17-18,000 समथिंग। चलिए आस्किंग प्राइस भैया? 58,000 ही है भैया, 58,000 मात्र है दोस्तों। चलिए भैया फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं। ये 220 पल्सर है, ये रांची नंबर है, ये डबल ईवीएस मॉडल है, टॉप मॉडल का डबल ईवीएस मिल जाएगी। पल्सर 220 है, ब्लैक कलर, ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं इसको भैया, है ना, ब्लैक रेड कलर में। और ओनर फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और किलोमीटर क्या चलिए भैया? 12,000 किलोमीटर, मात्र 12,000, मात्र 12,000 किलोमीटर। और मॉडल कौन सी है? 2019 का मॉडल है, 19 का है। और आस्किंग प्राइस बताइए इस पल्सर का? 92 पड़ेगा, 92,000 है दोस्तों, जो कि नेगोशिएबल है, हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं। ये हीरो का एक्सट्रीम 160 सीसी है, 2022 का गाड़ी है ये, और फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। देख लो बाकी इसमें एबीएस वगैरह, हां एबीएस है, सारा एबीएस है, पूरा न्यू ब्रांड है, हां कंपनी टायर है। देख लो दोस्तों लाल परी की, देख लो कंडीशन, हीरो की है। मॉडल कौन सी बोले भैया? 2022 का मॉडल, फर्स्ट ओनर है ना, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। क्या चला हुआ है? 30,000 किलोमीटर, मात्र 30,000 चली है। ओरिजिनल चला है ना भैया? 30 चला हुआ, सिर्फ 30 चला हुआ है, मात्र सिर्फ 30, मात्र 30 हजार नहीं दोस्तों, हजार में सिर्फ 30, 30 किलोमीटर चली हुई है मात्र, बहुत कम है भैया, एकदम शोरूम से निकला रही है, आ गया सर, मात्र 30 किलोमीटर चली हुई गाड़ी ये मिल रही है दोस्तों। तो जल्द से जल्द आइए इस गाड़ी को अपना बनाइए, व्हीलर डीलर में लगी हुई है ये लाल परी। बताइए भैया इसका आस्किंग प्राइस बताइए? 1,20,000 पड़ेगा इसका, 1,20,000, थोड़ा बहुत मान सम्मान होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते, ये KTM ड्यूक 125 सीसी का आप देख सकते हैं, देख सकते हो KTM की ड्यूक है 125 सीसी की, काफी कंडीशन में गाड़ी मिलती है, एकदम फ्रेश कंडीशन में है, देख लो इसमें। और मॉडल 21 की है ना भैया? 19 की है। और फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर। और रनिंग क्या है इसकी? ये रनिंग है आपका 27,000 किलोमीटर चला, 27,000 चली हुई है, देख लो कंडीशन इस प्रकार से है। और आस्किंग प्राइस क्या है भैया इसका? 1,18,000 पड़ेगा, 1,18,000 इसका है। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं भैया। ये पल्सर 150 है, पल्सर की 150 देख सकते हो, ये पूरा फ्रेश गाड़ी है, फ्रेश कंडीशन में गाड़ी है। ओनर फर्स्ट है भैया? हाँ फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और क्या चली होगी? ये चले हुई 18,000 किलोमीटर, 18,000 चली हुई है, जो की ओरिजिनल चली हुई है, ओरिजिनल चली हुई है। बताइए भैया इसका आस्किंग प्राइस क्या है? इसका 66,000 पड़ेगा, 66,000 मात्र है दोस्तों, जो कि नेगोशिएबल है भैया, हाँ हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है? ये NS 160 है, नया मॉडल है, BS6 मॉडल का वेरिएंट है, 2021 का मॉडल है ये। और क्या चला है? ये चला हुआ 8,000 किलोमीटर मात्र, 8,000 चला हुआ है दोस्तों, देख लो बिल्कुल न्यू कंडीशन में, पूरा न्यू कंडीशन में। और क्या प्राइस है उसकी भैया? 1,10,000 पड़ेगा, 1,10,000। तो फिलहाल तो इतनी कलेक्शन थी, हाँ इतनी कलेक्शन। और थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा, फाइनेंस अवेलेबल कर दिए हैं अभी, हो गया है, जो भी सिर्फ रांची का आदमी मिलेगा, लोकल बाहर का आदमी फाइनेंस में, बाहर का आदमी जो रहते हैं उनके लिए फाइनेंस अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात व्हीलर डीलर में फाइनेंस की भी सुविधा हो गई है दोस्तों, तो कम से कम डाउन पेमेंट दीजिए, है ना भैया? हाँ कम से कम लो पेमेंट, देख लीजिए बोर्ड भी लगा हुआ है, लो पेमेंट में आपको यहाँ पे आप फाइनेंस भी हो जाएगी, फाइनेंस हो जाएगी। चलिए तो ये बहुत बढ़िया भैया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू डिटेल देने के लिए, नेक्स्ट अपडेट बहुत जल्दी।
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I'm wanting. I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. I'm so gone, no, I'm never turning back. I won't stop, I'm a fighter till there's nothing left. And so what, you're gonna be hurting back, cause I've been to hell and back. You don't